नमस्कार, आज हम बनाएंगे तवा सब्जी। तवा सब्जी एक बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी डिश होती है। चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है तवा सब्जी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अब करेले में नमक लगा लें। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे करेलों में नमक लगा लें। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला डालें। और इसे अच्छे से मिला लें। एक बोल में अरबी और छोटे आलू ले। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और नमक डाल के इसे अच्छे से मिलाएं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे सारा मसाला इन आलूओं में लग जाए और ये टेस्टी लगे। अच्छे से मिल चुके। अब हम एक एक करके सारी सब्जियों को कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम छोटी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। छोटी प्याज बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। इसे हम छील के बिना मसाला लगाए यूज करेंगे। इसमें मसाला लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम इसे सीधे कढ़ाई में डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम भिंडी को दोनों तरफ से और बीच में से काट के फ्राई कर लेंगे। अब हम सब्जियों पे चाट मसाला डाल के इसे रख देंगे। सब्जियों पर लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और फिर गर्म हो जाने के बाद उसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे।
वैसे तो तवा सब्जी तवे पर बनाई जाती है, लेकिन हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा तवा अवेलेबल नहीं था। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर, गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुन चुकी है, इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जिस जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें सारी फ्राई करी हुई सब्जियां डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी ग्रेवी इनके साथ मिक्स हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आए इसके अंदर। अब हम इसे एक बोल में सर्व कर लेंगे। और तवा सब्जी रेडी।